वो बेटी अपने बचपन की याद अपने पिता को दिलाती है। बहुत ही सुंदर सवाल करती है, जरा गौर से सुनिएगा। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सेंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपो ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। फिर वो बेटी अपने पिता के वो दिन याद दिलाती है, जब पिता हर काम करके अपने बेटी को और अपने बच्चों को खुश रखता है। अगर पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो संसार की सारी खुशियां हमारी है। वो बेटी आगे क्या कहती है, क्या सवाल करती है। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिता एक ऐसा शख्स होता है जो कभी अपने बेटे अपनी बेटी के सामने नहीं रोता है। वो सोचता है कि अगर कैसा भी कष्ट आ गया, अगर मैं मेरे परिवार के सामने रो दिया तो मेरा परिवार टूट जाएगा। कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं रोता है। वो कठोर दिल इंसान हमेशा अपने सीने पर कठोर पत्थर रख कर जीता है, हर दुख हर तकलीफ सहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो अपने द्वारा पाली पोसी गई वो नन्ही गुड़िया